नमस्कार। अगर आप भी नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो व्रत के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। व्रत के दौरान हेल्दी डाइट लें, लेकिन खाली पेट कुछ चीजों के सेवन से परहेज करें, वरना ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नंबर एक पर है चाय। नवरात्रि व्रत में खाली पेट चाय पीने से बचें। चाय से पेट में एसिडिटी और जलन की समस्या हो सकती है, जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं नंबर दो पर है दूध और दही। दूध और दही दोनों ही चीजें पेट में एसिड का लेवल बढ़ाती हैं। इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट और प्रोटीन कई बार खाली पेट व्रत में उल्टा असर करते हैं। आंतों के एंजाइम्स को अच्छा करने की जगह पेट में गैस और अपच की समस्या पैदा कर सकते हैं। वहीं नंबर तीन पर है केला। व्रत में खाली पेट केला खाने से कुछ लोगों को पेट और सीने में जलन की समस्या होती है, यहाँ तक कि कब्ज की समस्या तक पैदा हो सकती है। ये सभी चीजें मैग्नीशियम के कारण हो सकती हैं। वहीं नंबर चार पर बात करें तो ऑयली चीजें, जो कि बेहद जरूरी है। खाली पेट व्रत में ज्यादा तली हुई व्रत वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पेट को नुकसान पहुंचाने के अलावा पेट में जलन और गैस का कारण बन सकती है। वहीं नंबर पाँच पर आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, मीठी चीजें। जी हाँ, व्रत में खाली पेट मीठी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। खाली पेट मीठी चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लॉग इन करें thehealthsite.com पर।